हमें मैदे का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? मैदा क्या है? पहले तुम्हें समझना चाहिए मैदा बनती कैसे है। मैदा लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या है, वीट है, यानी गेहूं का, गेहूं को पीसने के बाद में जो पिसता हुआ सबसे लास्ट में जो बचता है वो मैदा है। गेहूं के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, कुछ विटामिन्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मैदे के अंदर कुछ भी हमारे लिए उपयोगी चीज नहीं होती। यानी मैदे के अंदर कोई भी पोषण तत्व नहीं है, कोई भी पोषण तत्व नहीं है। अब जिसके अंदर पोषण तत्व ही नहीं है तो हमें उसका उपयोग करने का फायदा ही क्या है ना। लेकिन फिर भी आजकल मैदे से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, चाउमीन है, नूडल्स है, मोमोज है, भटूरे हैं, ये सब मैदे से ही बनते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने से इसका बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा इनका नुकसान हमें होगा। क्यों? क्योंकि मैदा सबसे बारीक चीज है, मतलब पाउडर है, और मैदे का एक नेचर है, अगर मैदे को हम बिगाड़ दें तो ये फूलना स्टार्ट हो जाता है और ये एक लई की तरह बन जाता है। मैदे को हम चिपकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। मैदे का इस्तेमाल हम कभी भी डाइजेशन के रूप में नहीं करते, यानी पोषण के रूप में नहीं करते। मैदा हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके ऊपरी दीवारों पर चिपक जाएगा, है ना, इसकी ऊपरी दीवारों पर चिपक जाएगा। तो यहाँ से इनसे बनने वाले डाइजेस्टिव जूस, जैसे HCl है, आपका रेनिन है, आपका पेप्सिन है, आपका अमाइलेज है, लाइपेज है, ये सब हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिनको नहीं निकलने देगा। जब ये हमारे डाइजेस्टिव जूस ही नहीं निकलेंगे तो हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो मैदा खाने से एक तो कोई भी पोषक तत्व तो नहीं है, ना इसके अंदर विटामिन है, ना मिनरल्स है, ना रफेज है, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी इसके अंदर मैदे के अंदर नहीं है। दूसरा, इसका नेचर स्टिकी है, यानी चिपचिपा है। तो ये हमारे हमारे पेट के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चिपक जाएगा, जिससे कि ये हमारे जो होल्स हैं जिनसे केमिकल निकलने चाहिए, हार्मोन्स निकलने चाहिए, एंजाइम्स निकलने चाहिए, उनका भी रास्ता बंद कर देगी। और सही कहा कि ये कम से कम 3 से 4 दिन तक हमारे पेट में पड़ी रह सकती है, और इसकी वजह से फिर हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा और हम खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हमें क्या होगी, गैस बननी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खाना पड़ा हुआ है वो पच ही नहीं रहा, वो पचेगा नहीं तो होगी गैस करेगा। तो कुछ दिन तक तो नॉर्मल गैस पास होती है, फिर कुछ दिन के बाद वो बदबू वाली गैस शुरू हो जाती है, जिसका कारण है कि हमारा पोषण आगे नहीं बढ़ रहा है। खाने को आगे भेजने का काम रफेज करता है, जो कि गेहूं के अंदर के छिलके के रूप में पाया जाता है। अगर चोकर है, मतलब अगर हमारे आटे के अंदर चोकर है, यानी रफेज है, तो ये हमारे पोषण को आगे भेजने का काम करेगा। और मैदे के अंदर रफेज 0% तो होता है, तो इस वजह से मैदा हमें कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। मैदे से सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, जो लोग मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होने के 100% चांसेस हैं। तो जो लोग मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको 2-3 दिन तक मोशन नहीं आता है, यानी कि वो सारा का सारा पेट के अंदर ही 3-3 दिन तक संभाल के रखते हैं, और मैदा इसकी बड़ी वजह है। दूसरा, ये मैदा हमारे पेट का पीएच वैल्यू को भी बिगाड़ता है, यानी कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को भी बिगाड़ता है, जिसकी वजह से भी ये हमारे डाइजेशन को खराब करता है और हमारे को जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए खाने से वो नहीं मिल पाती। तो टोटल मिलाकर मैदा हमारे लिए बेकार ही है, इसका 1% भी हमारे हेल्थ में कोई योगदान नहीं है। ठीक है।